हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचीफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिसमें होने वाले हैं 120 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन, जैसे कि UPPCL, DSSB, सेल और भी जो भी एग्जामिनेशन जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, उसमें से ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज हम कवर अप करने वाले हैं। सो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने कवर अप किए वो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस भी किया है। सो आप लोगों को ये सेशन जो है वो कहीं पे भी स्किप नहीं करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस सेशन का ई बुक चाहिए है, तो आपको इसका ई बुक जो है वो कोचीफाई के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अब ई बुक आपको दो फॉर्म्स में मिलेगा, एक ओनली दिसंबर मंथ जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 120 प्लस क्वेश्चंस होंगे, और हमने जो सितंबर से जो सीरीज चला रहे हैं हम करंट अफेयर की, सो सितंबर से लेकर दिसंबर के टोटल 4 मंथ का भी आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट 400 प्लस क्वेश्चन का जो है वो भी सेट आपको मिलेगा। सो ये आपका चॉइस है कि आप ओनली दिसंबर मंथ का लेते हो या फिर सेप्टेम्बर टू दिसंबर मंथ का लेते हो। इसके अलावा कोचीफाई के एप्लीकेशन में सेप्टेम्बर टू नवंबर का भी मैंने ई बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया था, तो जिन भी लोगों ने सेप्टेम्बर टू नवंबर का परचेज किया है वो सिर्फ दिसंबर का ले सकते हैं, या फिर अगर उन लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव 4 मंथ का अगर एक साथ लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। सो सितंबर टू नवंबर का जो है वो 10 रुपीज का था। अगर आप ओनली दिसंबर का लेते हो जिसमें 120 प्लस क्वेश्चन है, वो आपको 7 रुपीज़ में मिल जाएगा, एंड अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव 4 महीने का लेते हो तो आपको वो 15 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको 420 प्लस क्वेश्चंस जो है वो देखने मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो ई बुक है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी कवर अप की गई है। आप लोगों ने हमारे ई बुक जिन भी लोगों ने लिए होंगे उन लोगों के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, वो लोग काफ़ी बार कहते हैं कि काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन को कवर अप किया जाता है और काफ़ी वास्ट में जो है ई बुक को लाया जाता है। सो इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी, अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हो बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो आपको ईबुक परचेस करना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को अलग अलग 3 फॉर्म्स में बताया है। सितंबर टू नवंबर भी अवेलेबल है, ओनली दिसंबर भी अवेलेबल है, एंड सितंबर टू दिसंबर भी अवेलेबल है। आप लोगों को जैसा कन्वीनियंट है आप वैसा ले सकते हो। आप लोगों को ये ईबुक परचेस करने के लिए जिन भी लोगों ने कोचीफाई का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा या फिर जिन लोगों के पास अवेलेबल होगा उन लोगों को ये प्रोसेस पता होगी, बट जिन लोगों के पास इसका एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोगों को कोचीफाई का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को ईबुक के सेक्शन में जाना होगा, एंड ईबुक के सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पर जो है इन सारे जो भी 3 टाइप्स के जो करंट अफेयर के ईबुक्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो वहाँ पे आप लोगों को ये सारे करंट अफेयर के ईबुक्स जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट ईबुक्स है वो भी वहाँ पर है, जैसे कि अगर आप आपका जो भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। सो इस पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव ईबुक बनाया गया है, एंड वो ईबुक जो है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे रखा गया है। अगर आप लोगों को वो ईबुक चाहिए तो आप वो ईबुक भी परचेस कर सकते हो, उसमें आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस भी अवेलेबल है एंड काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है। सो बहुत ही अच्छा ईबुक है वो। आप लोगों की अभी एग्जामिनेशन आने वाली है और आप लोगों को नॉन टेक्निकल की स्टडी करनी है और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि किस वे से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, तो आप एक सिंगल ईबुक लेते हो तो आप लोगों का काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। सो उसमें आप बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ते हो एंड करंट अफेयर के वीडियोस जो है आप लोगों को मिल ही रहे हैं। सो अभी तक हमारा दिसंबर तक के जो है वो अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है एंड ईबुक्स भी अवेलेबल है, एंड बाकी जो स्टैटिक जो भी वीडियोस है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन वो आप लोगों को चैनल पे मिलते रहेंगे। सो गाइस ये था अबाउट ईबुक। जो भी आप लोगों को चाहिए आप वो एप्लीकेशन से ले सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन ऑर्डर टू सपोर्ट टोकनाइजेशन ऑफ रुपे कार्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस फॉर NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PayFi। क्वेश्चन में ये पूछा गया है रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन का सपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए पहली सर्टिफाइड टोकन सेवा बन गया है। सो वो है PayFi, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द इंडियन वुमेन हु रैंक 37th ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन. इन्होंने 37th रैंक किया है वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में, ठीक है. और ये जो था ये इस साल का 18th एडिशन था, ठीक है, जहाँ पे निर्मला सीतारमन ने 37th रैंक किया है. यहाँ पे जो टॉप किया है वो है मैकिन्जी स्कॉट ने. इसके अलावा फाल्गुनी नायर जो है उनका रैंक है 88th, रोशनी नरार जो है उनका रैंक है 52nd, एंड किरण मुजुमदार शॉ का जो रैंक है वो है 72nd. सो ये भी सारी रैंकिंग आपको ध्यान में रखनी होगी. टॉप पर कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा. इसके अलावा फॉर्च्यून इंडिया ने एक मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया का जो है वो लिस्ट रिलीज़ किया, जिसमें निर्मला सीतारमन जो है वो फर्स्ट रैंक करती है. अगर इंडिया की बात आएगी तो फर्स्ट रैंक करती है, एंड वर्ल्ड की फोर्ब्स की लिस्ट में जो है सीतारमन 37th रैंक करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जर्मन लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट डैश एज अ न्यू चांसलर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्फ स्कूल्स जो है वो जर्मन के नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल नेमर हैज़ बिन स्वान इन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री. सो कार्ल नेमर कौन से कंट्री के चांसलर बने हैं? सो वो बने हैं ऑस्ट्रिया के. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो हमने दो चांसलर देखा, ऑस्ट्रिया एंड जर्मन. जर्मन के है ओल्फ एंड ऑस्ट्रिया के बने हैं कार्ल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलेशन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग. नीति आयोग जो है उसने लॉन्च किया है ई सवारी को. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनिक्स 21 इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. इट इज़ टू बी हेल्ड फॉर द डैश कंट्रीज. सो पैनिक्स 21 जो है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो कि कौन सी कंट्रीज के साथ हेल्प की गई? सो बिम्स्टैक कंट्रीज के साथ इसे हेल्प किया गया. सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा 11th एडिशन हुआ यूक्वेरिन का 21 का, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, एंड इसे मालदीव्स में कंडक्ट किया गया. सो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, यूक्वेरिन 21 ये जो एक्सरसाइज है ये इसका 11th एडिशन हुआ इस 21 में, जो कि इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज चेंज मेकर प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? सो शी इज चेंज मेकर प्रोग्राम जो है जो कि लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा. सो उन्होंने पूछा है कि कौन है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की? सो वो है रेखा शर्मा. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tennis team has won the Davis Cup tennis tournament 21, which was recently held in Madrid? So question में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टेनिस टीम ने जो है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 21 का हासिल किया है, जो कि मैड्रिड में हुआ. आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रशिया ने जीता है डेविस कप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर लॉन्चेस फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल फॉर इंडियन नेवी. द कोड नेम फॉर दिस वेसल इज डैश. इसका आंसर हो जाएगा संध्यायक. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. GRSE जो है उन्होंने पहला लार्ज वेसल जो है इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है संध्यायक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ डैश एट देहरादून उत्तराखंड. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18,000 करोड़. सो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने देहरादून उत्तराखंड में 18,000 करोड़ की कई नई परियोजना का उद्घाटन किया. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट CM हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल कॉल्ड हमर अपन बजट एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड. सो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है हमर अपन बजट, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी स्टेट की फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा प्रिपेयर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रदीप शाह फाउंडर ऑफ इंडियन एशिया फंड एडवाइजर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ NERCL. हियर NERCL स्टैंड्स फॉर डैश. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रदीप शाह जो है जो कि फाउंडर है इंडिया एशिया फंड एडवाइजर के, जो कि NERCL के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पे NERCL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इंडिया विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया में 2024 तक कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे। सो आंसर होगा ऑप्शन डी 9। सो द नेशन विल हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर बाय 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इन वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन बाय डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। सो मोदी जी का जो रैंक है टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन में तो वो है 8th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है, जो कि इनॉग्रेट किया गया मोदी जी द्वारा, कौन सी स्टेट में किया गया ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू रिटर्न विद स्टेट मिथिला मखाना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, उन्होंने जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया है, जो कि बिहार मखाना और फॉक्स नट के नाम से इसे ज्योग्राफिकल टैग दिया गया था, अभी उसका नाम रीनेम करके मिथिला मखाना रख दिया गया है एंड उसका जो GI टैग है वो एज इट इज रिटेन रखा है। सो जो कि बिहार से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न इनटू अ पेपरलेस 100% पेपरलेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। दुबई ये ऐसा गवर्नमेंट बन चुका है जो कि वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट है जो कि 100% पेपरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम मैगजीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। एलन मस्क जो है वो 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं बाय द टाइम मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फ्लाइट टेस्टेड हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRDO। सो DRDO ने जो है सेंट मिसाइल को जो है लॉन्च किया पोखरण रेंज राजस्थान में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डैश BCCI अनाउंसेस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सौरव गांगुली। सो सौरव गांगुली की प्रेसिडेंटशिप में BCCI जो है उसने अनाउंस किया है कि वो डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी को फॉर्म करेगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू CEO ऑफ फ्रेंच फैशन हाउस नेम शनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीना नायर। लीना नायर जो है वो नई CEO बनी है फ्रेंच फैशन हाउस जिसका नाम है शनेल। सो शनेल की जो नई CEO बनी है वो है लीना नायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे डिक्लेयर किया गया है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। सो SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं 2021 के नीरज चोपड़ा। SJFI होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द डिजिटल पेमेंट उत्सव फॉर 500 विलेजेस इन इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कंपनी जो है उसने डिजिटल पेमेंट उत्सव लाया है इंडिया की 500 विलेजेस के लिए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द NASA स्पेसक्राफ्ट विच हैज बिकम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू पास थ्रू अ सन्स आउटर एटमोसफियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पार्कर सोलार प्रोब। सो पार्कर सोलार प्रोब जो है ये नासा के स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर से पास करेगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद BMW मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TVS मोटर कंपनी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी कंपनी जो है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा BMW के साथ, तो वो है TVS मोटर कंपनी। सो TVS और BMW दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंशु कीम। अंशु कीम जो है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के, सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलाउ लिमिटेड कल्टिवेशन एंड पोजेशन ऑफ कैनबीज फॉर पर्सनल यूज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल्टा। सो माल्टा ये पहली यूरोपीय कंट्री बन गई है जिसने सीमित खेती और पोजेशन के लिए भांग को अनुमति दी है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहित जैन। सो मोहित जैन जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन अग्नि पी। सो रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पी का क्या स्टैंड करता है। सो पी जो है वो प्राइम स्टैंड करता है, ठीक है, अग्नि प्राइम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो इंडिया में पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, सो वो किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज वन 16 मेडल्स इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 विच वॉज हेल्ड एट डैश। सो इंडिया ने 16 मेडल्स जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2021 में हासिल किए, जो कि कहाँ पर हुआ ये चैंपियनशिप ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये चैंपियनशिप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीकांत किदांबी जो है वो पहले इंडियन मैन है जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट द क्रिएशन ऑफ 3 न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स, नेमली सेमन्यू, न्यूलैंड एंड चौमाकी दिमा। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नागालैंड। सो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है, वो तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमन्यू, न्यूलैंड एंड चौमाकी दिमा। सो ये 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट को नागालैंड की गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रिसेंटली इमा राडोकानो इज सेलेक्टेड एज अ BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर 2021, शी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस। सो इमा राडोकानो जो है वो टेनिस से बिलोंग करती है एंड इन्हें सेलेक्ट किया एज अ BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हरियाणा लॉन्च अ न्यू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंडर करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इट इज रिलेटेड टू डैश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिसेंटली जो हरियाणा ने लॉन्च किया है न्यू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, सो ये किससे रिलेट करता है, ये करता है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेट करता है, ओके। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी सेकेंड इंडिजिनस स्टील guided missile destroyer of the project 15B class that went for her maiden sea trial, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्मुगाओ। सो भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी स्टील गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट 15B का नाम क्या है जो कि अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए गया है, सो उसका नाम है मुर्मुगाओ। सो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन अ डैश सीन्स 2012, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। इंडिया जो है हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है 22 दिसंबर को मनाता है सिंस 2012, और ये जो डे होता है इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ द मिशन ऑफ इंडिया कॉन्टिंजेंट फॉर अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक इन बीजिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ द मिशन ऑफ इंडियाज कॉन्टिंजेंट फॉर अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन टिल 2025। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। सो पीवी सिंधु जो है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन टिल 2025। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल दिनकर राणे जो है ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू टॉप द 2021 विजी की न्यू स्कोर रैंकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यू, बाय प्रॉफिट एंड बाय मार्केट वैल्यू जो है इसमें टॉप किया है। जो रैंकिंग जो रिलीज करता है वो है विजी की न्यू स्कोर रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। सो नवीन पटनायक जो है चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के ये चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु जो कि बिल्ट किया गया है महानदी रिवर के ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द मिडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप सरफेस टू सरफेस मिसाइल डैश ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रलय। सो इंडिया ने सक्सेसफुली जो है इसका टेस्ट फायर किया है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि उड़ीसा के कोस्ट पे इसे टेस्ट किया गया। सो इसका नाम है ऑप्शन सी, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली हैज पास द प्रिवेंशन ऑफ मॉब वॉयलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। सो झारखंड ने जो है मॉब वॉयलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 को पास किया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट इंडियन नेवी शिप दैट वॉज डी कमीशन आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस एट विशाखापट्टनम रिसेंटली। सो ये पूछा गया है कि उस पहली इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट इंडियन नेवी शिप का नाम क्या है जिसे डीकमीशन किया गया, जिसने 32 साल तक विशाखापट्टनम में अपनी सर्विस दी। सो उस नेवी शिप का नाम है INS कुकरी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन 2021 नेशनल बिलियर्ड टाइटल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज अडवाणी जो है वो 2021 के नेशनल बिलियर्ड टाइटल उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच क्रिकेट टीम हैज़ वन देयर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021। सो कौन सी क्रिकेट टीम ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में जीता है? सो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कंपनी हैज़ अपॉइंटेड ईशन चिहाना एज इट्स न्यू चेयरमैन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामाहा मोटर लिमिटेड जो है उन्होंने एज अ न्यू चेयरमैन ईशन चिहाना को अपॉइंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इनमरसैट 6F1 अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू अ मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज MHI HIIA 204 रॉकेट। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है इनमरसैट 6F1 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज MHI HIIA 204 रॉकेट। सो वो कंट्री है जापान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द जॉन 102E और 5 मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट 02। सो उस नेशन का नाम है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है न्यू कैमरा सैटेलाइट विथ 5 मीटर रिजोल्यूशन टू फाइंड रिसोर्सेज जियॉन 102E और 5 मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट 2। तो जिसके तहत जो है ये न्यू कैमरा सैटेलाइट है जो कि 5 मीटर रिजोल्यूशन से रिसोर्सेज को फाइंड करेगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज नेम्ड पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है वो पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। सो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार जो है वो डीजी एंड सीईओ बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के। नेक्स्ट
क्वेश्चन होगा, रिसेंटली 11th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप वॉज क्राउन बाय डैश. सो 11th एडिशन हुआ हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप का, जो कि हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये जो चैंपियनशिप हुआ ये तमिलनाडु में हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश. पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड सावराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अ 111 मेगावाट प्रोजेक्ट विच हैज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड रुपीज 2080 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश. सो सावराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, जिसका कैपेसिटी है 111 मेगावाट का. एंड अराउंड जो कॉस्टिंग उन्होंने इसके लिए दिया है वो है 2080 करोड़. और ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये हिमाचल प्रदेश में आ रहा है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च कौशल रोजगार निगम पोर्टल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा. सो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना. सो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में? सो वो है तेलंगाना. तेलंगाना ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक किया है अमंग 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस अ मिनी बस लुक लाइक वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन रोड एंड ट्रैक्स. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मिनी बस को, जो कि मिनी बस की तरह दिखता है और ये वर्ल्ड का पहला ड्यूअल मोड व्हीकल है जो कि रोड पे भी चलेगा एंड ट्रैक्स पे भी चलेगा. तो वो है जापान. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री एट डैश. सो मोदी जी ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया है. सो कहाँ पर लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर में उन्होंने इस डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया है. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जब 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी था आईआईटी कानपुर में, तब उन्होंने इस डिग्री को जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिग्री को जो है लॉन्च किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ वन मिस यूनिवर्स 2021 क्राउन. सो 2021 का मिस यूनिवर्स का क्राउन किसने जीता है? आंसर हो जाएगा हरनाज कौर संधु, जो है उन्होंने ये टाइटल जीता है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. आफ्टर 21 ईयर्स इंडिया ने जो है ये मेडल फिर से जीता है. पहली जो मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने 94 में ये जीता था. सेकेंड जो थी वो थी लारा दत्ता, जिन्होंने 2000 में जीता था. एंड आफ्टर 21 ईयर्स 2021 में हरनाज कौर संधु ने जो है इस टाइटल को हासिल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं. सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, टू प्रमोट टूरिज्म द फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट एंड यूटी. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में जो है अहरबल फेस्टिवल को जो है हेल्ड किया गया. ये पहला फेस्टिवल था, पहली बार ये फेस्टिवल को मनाया गया है. सो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, जहाँ पर पहला फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल जो है वो मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द 7th एडिशन ऑफ 4-डे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन डैश. सो 7th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, जो कि कहाँ पर शेड्यूल किया गया? गोवा में. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. इसका जो डेट था वो था 10th ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ दिसंबर में पणजी गोवा में इसे सेलिब्रेट किया गया. इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनियन मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, इस 7th एडिशन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021. सो बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड जो कि 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में दिया गया है वो है धनुष. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. उनकी मूवी असुरन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Ring Wandering has won the Golden Peacock Award for Best Film in the 52nd International Film Festival of India. The movie Ring Wandering belongs to which country? So answer ho jayega option C, Japan. Ring Wandering, is movie ko Golden Peacock Award jo hai, wo diya gaya in 52nd International Film Festival mein. So Ring Wandering ye kaun si country se belong karta hai? Ye Japan se belong karta hai. Next question hoga, Hornbill Festival is celebrated in which state? Hornbill Festival jo hai, wo kaun si state mein manaya jata hai? To wo नागालैंड में मनाया जाता है. ये बिगेस्ट कल्चरल एक्स्ट्राविगेंजा फेस्टिवल है नागालैंड का, हॉर्नबिल फेस्टिवल. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम हैज डिक्लेयर लॉर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब. सो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चानी, इन्होंने डिक्लेयर किया है लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो एक एनुअल फेस्टिवल से मनाया जाएगा. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 97th एडिशन ऑफ वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश. सो 97th एडिशन ऑफ वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल जो है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियम वेब्स्टर हैज चूजन द वर्ड डैश एज इट्स 2021 वर्ड ऑफ द ईयर. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैक्सीन. सो मेरियम वेब्स्टर ने जो है वैक्सीन को चूज किया है एज अ 2021 वर्ड ऑफ द ईयर. इसके अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो यूज किया है वो है परसीवेरेंस. सो परसीवेरेंस जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चूज किया है. देन उसके बाद आता है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT, जिसका एब्रीवेशन होता है नॉन फंगिबल टोकन, इसे चूज किया है वर्ड ऑफ द ईयर. एंड अगर ऑक्सफर्ड की बात की जाए तो वैक्स इस वर्ड को चूज किया गया. ठीक है, सो आपको ये सारे ध्यान में रखना है, मेरियम वेब्स्टर, कॉलिंस, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफर्ड. ओके, आपका एक स्लाइड में मैंने चारों वर्ड ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए मेंशन किए. आपको कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको सारे ध्यान में रखने होंगे. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज अहमद नसीर अल रईसी हैज बिन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल. आंसर हो जाएगा UAE. सो UAE के जो अहमद नसीर अल रईसी है जो कि प्रेसिडेंट बने हैं इंटरपोल के. इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये UAE से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा जो और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पराग अग्रवाल एन IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हैज रिप्लेस जैक डॉर्सी एज अ न्यू ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मतलब कि जैक डॉर्सी जो थे वो CEO थे ट्विटर के, अभी उनके जगह पे न्यू अपॉइंट हुए पराग अग्रवाल. नेक्स्ट है, अलका उपाध्याय हैज बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो NHAI की न्यू चेयरपर्सन बनी है अलका उपाध्याय. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ बिन अपॉइंटेड कैथरीन रसेल एज अ हेड ऑफ UN चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ. सो एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने कैथरीन रसेल को है जो है एज अ हेड यूनिसेफ की हेड अपॉइंट किया है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अब हम देखेंगे कुछ बुक्स एंड ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस को. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयाज मेमन. अयाज मेमन जो है ये इस बुक के ऑथर है, इंडियन इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947. ठीक है, सो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं जो भी बुक्स दिसंबर के मंथ में रिलीज हुई उनकी ऑथर्स. सो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे. अ न्यू बुक टाइटल 1971 चार्जेस ऑफ द गुरखास एंड अदर स्टोरीज, जिसके ऑथर है रचना बिष्ट रावत. तो ये जो बुक है 1971 चार्ज ऑफ द गुरखास एंड अदर स्टोरीज, जिसकी ऑथर है रचना बिष्ट रावत. नेक्स्ट बुक है वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, जिसके ऑथर है मृदुला रमेश. नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू लॉन्च अ टाइटल द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ऑथर बाय गौतम चिंतामणि. सो द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, जिसके ऑथर है गौतम चिंतामणि एंड जिसे लॉन्च किया है वो है एम वेंकैया नायडू. नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी एट होम इन द यूनिवर्स बाय बालकृष्ण माथुर वॉज रिलीज बाय RC सिन्हा. सो बालकृष्ण माथुर की ये ऑटोबायोग्राफी है एट होम इन द यूनिवर्स, जिसे रिलीज किया RC सिन्हा द्वारा. नेक्स्ट अगेन ऑटोबायोग्राफी है नरोत्तम
सिक्सारिया, जिन्होंने लिखा है ऑटोबायोग्राफी द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मेन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। नेक्स्ट है अ बायोग्राफी टाइटल नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑथर बाय दिनियार पटेल एंड पब्लिश बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सो ये बायोग्राफी है जिसे ऑथर किया गया है बाय दिनियार पटेल द्वारा, नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एंड इसके पब्लिश किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू लॉन्चेस अ पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, ऑथर बाय प्रभात कुमार। सो प्रभात कुमार ने इसे ऑथर किया इस बुक को, जिसको लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है वेंकैया नायडू ऑन द 72nd एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज अ बुक टाइटल डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नर्स इन इंग्लिश एंड लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म इन हिंदी, ऑथर बाय डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। सो वेंकैया नायडू जो है 72nd एनिवर्सरी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर, तब उन्होंने एक बुक को रिलीज़ किया जिसका इंग्लिश में नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नर्स एंड हिंदी में उसका नाम है लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म, जिसके ऑथर है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। सो ये कुछ बुक्स थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रीवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंसर हो जाएगा एस ओबेरॉय। सो रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ऑथर है वो है एस ओबेरॉय। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल निर्मल चंद्र विज रिलीज हिज न्यू बुक टाइटल द काश्मीर कंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लैंड। सो चंद्रवीर जो है उन्होंने इस बुक को जो है रिलीज़ किया है। द बुक क्लेम टू ऑफर अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन जम्मू कश्मीर एंड द वे फॉरवर्ड। द बुक इज़ पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। सो इस बुक को जो पब्लिश किया है वो हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है एंड इस बुक को जो रिलीज़ किया है वो निर्मल चंद्र विज ने इसे रिलीज़ किया है। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर 23rd बुक टाइटल प्राइड प्रिजुराइज एंड पंडित्री वॉज लॉन्च इन हैदराबाद तेलंगाना। सो डॉक्टर शशि थरूर जो है उनकी ये 23rd बुक है जिसका नाम है प्राइड प्रिजुडाइज एंड पंडित्री, जो कि लॉन्च की गई हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द बुक राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ऑथर बाय राहुल रेवेल। सो वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिलीज किया है इस बुक को एम वेंकैया नायडू ने, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, जिसके ऑथर है राहुल रेवेल। देन अगेन वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिलीज किया है, एक तेलुगु बुक है ये, गांधी टोपी गवर्नर, और इनके जो ऑथर है वो है यरलगडा लक्ष्मी प्रसाद। सो यरलगडा लक्ष्मी प्रसाद जी की ये बुक है गांधी टोपी गवर्नर, जो कि एक तेलुगु बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बुक ऑन योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, ऑथर बाय शांतनु गुप्ता। सो योगी आदित्यनाथ पे बुक बनाई गई है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, जिसके ऑथर है शांतनु गुप्ता। तुषार कपूर हैज़ रिटन हिज फर्स्ट बुक टाइटल बैचलर डैड। तुषार कपूर जो है ये एक्टर है, इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है बैचलर डैड। नेक्स्ट होगा एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरूप रॉय चौधरी टाइटल द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड, रिलीज बाय एम वेंकैया नायडू। सो ये ऑटोबायोग्राफी है अरूप रॉय चौधरी जी की द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड, जिसे रिलीज किया एम वेंकैया नायडू ने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू लॉन्च द बुक टाइटल डॉक्टर वी एल दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी, ऑथर बाय वी एल इंदिरा दत्त। सो नायडू जी ने ये बुक को रिलीज किया है जिसे ऑथर किया गया डॉक्टर वी आल इंदिरा दत्त द्वारा, और उन्हीं के बारे में इस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है संजू वर्मा एन इकोनॉमिस्ट एंड बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन हैज ऑथर अ न्यू बुक टाइटल द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। सो संजू वर्मा ये एक इकोनॉमिस्ट है एंड द बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने इस बुक को ऑथर किया है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। एंड जो लास्ट बुक है अ बुक टाइटल इंडिया एंशंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ऑथर बाय डॉक्टर रेखा चौधरी, वॉज लॉन्च इन द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। सो भगत सिंह कोश्यारी के प्रेजेंस में इस बुक को लॉन्च किया गया, जिसकी ऑथर है रेखा चौधरी एंड बुक का नाम है इंडियाज एंशंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी दिसंबर मंथ की। आप लोगों को सारी बुक्स मैंने दे दी है, आप लोग इसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो, इनमें से जो भी पूछ जाएगी तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे ओब्यूचरी रिलेटेड
क्वेश्चंस। उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टीफन सोंडहाइम पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एन डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिरिसिस्ट। तो स्टीफन सोंडहाइम जो है, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो एक लिरिसिस्ट थे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टू स्लाइड्स में आप लोगों को मैंने मेंशन किया है कि जो दिसंबर मंथ में जो भी ओबिचुरीज हुई है वो सारी यहाँ पर मेंशन है। सो आप लोग इसे पढ़ सकते हो और आपको ये सारी ओबिचुरीज जो है वो ध्यान में रखनी होगी। आपको जो ई बुक मिलेगा उसमें भी ये सारी अवेलेबल होगी। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो और आप ई बुक के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हो। सो हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर अप करना है। सो हम बढ़ते हैं अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country is soon going to get the world's first floating city to deal with the problem of flood due to rising sea level? So question में ये पूछा जा रहा है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए इनमें से कौन सा देश जो है दुनिया का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी जो है, जो कि सुन बनने वाला है, वो है साउथ कोरिया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक जो है जिसने लॉन्च किया है पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से वो फॉर्म किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2021। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सेलिब्रेट किया अपना 57th रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2021। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे जो है वो भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है सिंस 1988, और इस साल का जो थीम था वो था एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। नेक्स्ट स्लाइड में जो है दिसंबर मंथ के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज है उसकी थीम के साथ मेंशन किए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इस डेज को रिवाइज कर सकते हो या फिर ई बुक के माध्यम से भी आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये 3 स्लाइड्स में आप लोगों के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज है वो सारे मेंशन किए, स्पेशली जिसका थीम होता है वो इम्पॉर्टेंट डेज माने जाते हैं। तो थीम वाला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, उसके अलावा बाकी भी आप ध्यान में रखते हो तो इट्स वेल एंड गुड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैग्डलेना एंडरसन हैज बिन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। सो स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मैग्डलेना एंडरसन। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया अदामा बोरो won the second term as a president during Gambia's presidential election. So Gambia के second term के जो president बने हैं वो है अदामा बोरो। सो ये दूसरी बार जो है गैम्बिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एंड इसके अलावा गैब्रियल बोरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड की सबसे यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बनी है गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रूबल हैज़ बिन सस्पेंडेड रिसेंटली। सो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हुसैन रूबल जो कि रिसेंटली सस्पेंड हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमालिया। सोमालिया के ये प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रूबल को सस्पेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड असिग्मा। आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन को जिसका नाम है असिग्मा एंड उसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। सो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको असिग्मा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। आंसर हो जाएगा नागालैंड। सो नागालैंड स्टेट ने लॉन्च किया है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है एक्सेल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। इसके अलावा भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार ने जो है इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट को कि वो लॉन्च किया करेगा भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो हैज डिसाइडेड टू बिगन अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड डैश टू ऑफर अ यूथ प्लेटफॉर्म टू एयर देयर वॉइसेस। सो ऑल इंडिया रेडियो ने डिसाइड किया है एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करने का जिसका नाम है एयर नेक्स्ट, जिसके तहत जो यूथ है उसे अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच ये प्रोवाइड किया गया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एयर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? सो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इसराइल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंपोजिट रैंकिंग इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? सो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में? सो वो है गुजरात, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड उसके बाद जो स्टेट आती है वो है महाराष्ट्र, गोवा एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप अमंग द लार्जर स्टेट्स इन नीति आयोग फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 1920? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला. सो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है लार्जर स्टेट में से इन द नीति आयोग का जो फोर्थ एडिशन है स्टेट हेल्थ इंडेक्स में? सो लार्जर स्टेट्स में आता है केरला टॉप पर, उसके बाद आता है तमिलनाडु सेकेंड पर एंड तेलंगाना आता है थर्ड पर. सो ये बात की जा रही है लार्जर स्टेट की, बट जब स्मॉलर स्टेट की बात की जाती है द फर्स्ट कहता है मिजोरम, देन सेकेंड है त्रिपुरा एंड थर्ड है सिक्किम. ठीक है, सो लार्जर एंड स्मॉलर स्टेट्स ये दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे. ओके, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? सो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने जो है टॉप किया है? वो है यूएसए. यूएसए ने इसमें टॉप किया है और इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66th रैंक है. ओके, एंड टॉप फाइव पे आता है यूएसए, देन आता है ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कैनेडा एंड थाईलैंड. नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारा वो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, जिसमें इंडिया का रैंक है 56th एंड स्विट्जरलैंड में इसमें टॉप किया है. नेक्स्ट है द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वीबॉक्स. महाराष्ट्र हैज रिटेन द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ स्टेट विद द हाईएस्ट पोल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश एंड केरला. सो ये जो 9th एडिशन था इंडिया स्किल रिपोर्ट का जो कि रिलीज करता है वीबॉक्स, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है एंड उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश एंड केरला. इसके बाद जो लास्ट है वो है अकॉर्डिंग टू लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021, इंडिया ने जो रैंक किया है वो फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री है इन एशिया पैसिफिक रीजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पावर आउट ऑफ 26 कंट्रीज विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 37.7 आउट ऑफ 100. सो इंडिया का रैंक फोर्थ है आउट ऑफ 26 कंट्रीज. ओके, अकॉर्डिंग टू लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021. ठीक है, सो ये कुछ इंडेक्स सिक्स थे, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, इसमें हमने देखा कि इंडिया कहाँ पे रैंक करता है और उसमें टॉप कंट्री कौन सी है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर. सबसे पहला क्वेश्चन होगा उसमें इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप गोवी हैज साइन इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. सो IIM मतलब कि IIT मद्रास ने जो है उनका स्टार्टअप गोवी, उसके लिए इंडिया की जो वुमेन क्रिकेटर है स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा बैंगलोर बेस्ड इनोवेटिव फास्ट ग्रोइंग फिनटेक किनारा कैपिटल साइन अ क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी. सो उस कंपनी का जो था 10th एनिवर्सरी था किनारा कैपिटल का, सो उन्होंने रविंद्र जडेजा को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. ठीक है, उसके बाद यूनिक्स अ मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड हैज साइन इंडियन क्रिकेटर फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो यूनिक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है जसप्रीत बुमराह. सो यहाँ पे हमने तीन देखे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, गोवी की जो है वो है स्मृति मंदाना, देन है किनारा कैपिटल के बने हैं रविंद्र जडेजा एंड यूनिक्स के बने हैं जसप्रीत बुमराह. ओके, पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन द ओकेजन ऑफ देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मार्किंग द 50th ईयर ऑफ द नेमिंग ऑफ द स्टेट. मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का 50th ईयर था, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, उसमें उन्होंने उस स्टेट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है संजय दत्त. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. इसके अलावा कौन सी स्टेट है जिन्होंने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज साइन अ MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू सपोर्ट रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स इंडिजिनस सॉल्यूशन इन वेरियस वेपन सिस्टम. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली. सो IIT दिल्ली ने इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है वो MOU साइन किया है, जिसके तहत जो है जो इंडिजिनस सॉल्यूशन ये लोग निकालेंगे टुवर्ड्स वेरियस वेपन सिस्टम्स. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज एंटर इनटू MOU विद गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल फॉर
फॉर सेटिंग अप 500 लीटर पर डे बायो इथेनॉल प्लांट. सो कौन सा PSU है जिसने MOU साइन किया है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स के साथ, जिसके तहत 500 लीटर पर डे बायो इथेनॉल प्लांट को जो है सेटअप किया जाएगा. सो वो है गेल. गेल ने MOU साइन किया है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स के साथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी फॉर द फर्स्ट सुप्रीम फोएस अवार्ड इन ऑपरेटर थ्योरी. आंसर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये इंडियन अमेरिकन है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा फॉर द फर्स्ट सुप्रीम फोएस अवार्ड. सो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आसाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड ऑन रतन टाटा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर केयर. सो आसाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असोम वैभव, ये रतन टाटा को दिया गया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसर केयर की सर्विसेज के लिए. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग द फॉलोइंग हैज वन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय द वुमेन ऑथर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकृति उपाध्याय. सो अनुकृति उपाध्याय जो है उन्हें सुशीला देवी अवार्ड 2021 का दिया गया फॉर द बेस्ट बुक फिक्शन. उनकी बुक जो है किचुंगी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट हैव रिसेंटली साइंड अ MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट MSMEs. सो वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत वो MSMEs को सपोर्ट करेगा. सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021. सो कौन सी स्टेट है जिसने जीता है गोल्ड मेडल अवार्ड 40th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में. सो वो है बिहार. बिहार ने जीता है गोल्ड मेडल अवार्ड. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरल सुधीर भाई देसाई. इन्होंने जीता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवनी लेखरा. सो अवनी लेखरा ने जीता है बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड. सो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर मौजो. उन्होंने जीता है 57th ज्ञानपीठ. एंड अगर 56th ज्ञानपीठ की बात की जाए, सो आसाम के जो पोएट है नीलमणि फुकन जूनियर, उन्होंने जीता है 56th ज्ञानपीठ अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच स्टेट पुलिस हैज कंडक्टेड द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सेरेमनी. सो कौन सी स्टेट पुलिस ने जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सेरेमनी को जो है कंडक्ट किया? सो वो है हिमाचल प्रदेश. सो अभी हमने जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे वो थे अवार्ड बेस्ड क्वेश्चंस. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी बिल्डिंग वर इनॉग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ फेज वन ऑफ द श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट रिसेंटली. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23. सो 23 बिल्डिंग्स को फेज वन में जो है इनॉग्रेट किया जाएगा श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट में. सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फेज वन ऑफ श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट एट काशी विच इज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 339 crore. मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द मार्च 8, 2019. सो फर्स्ट फेज जो है उसमें 23 बिल्डिंग्स को जो है इनॉग्रेट किया गया एंड इसके लिए जो कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट जो की गई है वो है 339 crore rupees की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू अ 4.5 day वर्क वीक. कौन सा कंट्री जो है वो पहला कंट्री बन चुका है जो कि 4.5 day वर्क करेगा वीकली. सो आंसर है ऑप्शन डी UAE. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो पहला कंट्री बन गया है जो कि वीकली 4.5 day वर्क ही करेगा. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ साई स्कीम फॉर मॉइस हीट एरियाज. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड. सो झारखंड स्टेट जो है उन्होंने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ साई स्कीम फॉर
मॉइस्ट हीट एरियाज, मतलब कि झारखंड ने एक सहाय स्कीम को लाया है मॉइस्ट हीट एरिया के लिए। सो सहाय का फुल फॉर्म जो है वो है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ठीक है। सो सहाय स्कीम पूछा गया कौन से स्टेट का है, सो आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च फ्री स्मार्टफोन योजना टू डोल आउट 1 लाख स्मार्टफोन्स। सो कौन से स्टेट ने जो है लॉन्च किया है फ्री स्मार्टफोन योजना को जिसके तहत 1 लाख स्मार्टफोन्स को जो है वो बांटा जाएगा। सो वो स्टेट है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सो फ्री स्मार्टफोन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूटी पुलिस हैज लॉन्च अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट अंडर द फ्लैगशिप स्कीम युवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। सो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट अंडर द स्कीम युवा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द मिल्क प्राइज इनिशिएटिव स्कीम। सो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है जिन्होंने लॉन्च किया है मिल्क प्राइज इंसेंटिव स्कीम को। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिल्क प्राइज इंसेंटिव स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप स्कीम इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियाज टॉप एथलीट्स। हियर टॉप स्टैंड्स फॉर। आंसर हो जाएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सो टॉप स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जा रही है इंडिया के टॉप एथलीट्स के लिए। सो टॉप का फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रमोट स्पोर्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम 2022-23। सो स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने जो है खेल नर्सरी स्कीम को जो है लॉन्च किया है, वो है हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। हरियाणा के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है स्पोर्ट्स अफेयर के संदीप सिंह, उन्होंने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 को जो है वो लॉन्च किया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च मिंदम मिजपाई स्कीम टू प्रमोट यूसेज ऑफ क्लोथ बैग्स बाय पब्लिक एंड डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने मिंदम मिजपाई ये स्कीम को जो है लॉन्च किया है जिसके तहत क्लोथ बैग्स को जो है यूज किया जाएगा पब्लिक में और प्लास्टिक बैग्स को जो है वो डिस्करेज किया जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के सीएम ने इसे लॉन्च किया है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये थे अबाउट स्कीम्स, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज वन 41 मेडल्स एट 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 21 हेल्ड एट डैश। सो इंडिया ने जो है 41 मेडल्स जीते हैं 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जो कि कहां पर हुआ ये पूछा जा रहा है। सो वो हुआ रिफा बहरीन में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्पेसएक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल मेनन। अनिल मेनन जो है वो स्पेसएक्स के फर्स्ट फ्लाइट के सर्जन बने हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्रोमिनेंट सिविलियन लीडर आंग सान सू की वाज सेंटेंस्ड टू 4 ईयर इंप्रिजनमेंट बिलोंग्स टू विच डैश। आंसर हो जाएगा म्यांमार। सो ये म्यांमार से बिलोंग करती है आंग सान सू की, जिन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा दी गई है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रेन ओवर 1 लाख पीपल विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया। सो 1 लाख पीपल को ट्रेन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में। आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सेलिब्रेटेड द एनर्जी कंजर्वेशन वीक फ्रॉम डैश अंडर आजादी के अमृत महोत्सव। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन वीक को जो है 8 से 14 दिसंबर के बीच में इसे सेलिब्रेट किया अंडर आजादी के अमृत महोत्सव। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट इंक्लूड इन डिप्लोमेटिक बॉयकॉटिंग ऑफ बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसने बॉयकॉट किया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है कनाडा ने भी ज्वाइन किया है, देन यूके ऑस्ट्रेलिया इन सारी कंट्रीज ने जो है बीजिंग 2022 के विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बॉयकॉट कर दिया है। सो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का
Kazuvali wetland has been declared as a 16th bird sanctuary of which of the following state? So Kazuvali wetland जो है जिसे कि 16th bird sanctuary declared किया गया है, so ये कौन से state से belong करता है? ये है तमिलनाडु से. Option B इसका correct answer हो जाएगा. So ये थे हमारे important questions December month से. I hope आपको सारे questions समझ आए होंगे. आप लोगों को इसका ebook जो है, जैसे कि मैंने video के starting में आप लोगों को कहा, इसका ebook जो है आपको Coachify के application पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने 4 month के कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूड किए हैं सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस. तो वो 4 month में आप लोगों को दिसंबर मंथ के भी जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे. सो आप लोग उस ईबुक के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हो. सो आपको कुछ नहीं करना है. Coachify एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको उसे इंस्टॉल करना है एंड उसमें ईबुक सेक्शन में जाके आप वहाँ से इन सारे क्वेश्चन की रिवीजन कर सकते हो. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.